नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं फैक्ट शीट। दिनांक 13 जुलाई 2020 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित किए। टोटल पास परसेंटेज 89% रहा, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 5% अधिक रहा। गर्ल्स का रिजल्ट 92% रहा और बॉयज का 86%, जो लड़कियों के मुकाबले 6% कम रहा। रीजन वाइज बात करें तो त्रिवेंद्रम प्रथम स्थान पर, बेंगलुरु दूसरे और चेन्नई तीसरे स्थान पर रहा। दिल्ली रीजन का रिजल्ट 94% रहा। स्कूल वाइज बात करें तो जवाहर नवोदय विद्यालय 98.7% के साथ प्रथम स्थान पर और केंद्रीय विद्यालय 98.6% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हम सब भारतवासी अभिभावक के रूप में और समाज के रूप में इस शानदार सफलता के लिए बधाई के पात्र, क्योंकि आज तक हमने भले ही कोई ऐसी मशीन या कोई यंत्र ना बना पाए हों जिसकी इफिशियंसी 50 से 60% या उससे ज्यादा हो, लेकिन हमने ऐसे बच्चे जरूर पैदा कर दिए हैं जो 90-95% या कह लीजिए कि 100% इफिशियंट होने का दावा कर रहे हैं। इस वर्ष 38,686 मतलब 38,686 बच्चे ऐसे थे जिनको 95% से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। ये संख्या पिछले वर्ष की तुलना में दुगनी है। 90% से अधिक अंक लाने वालों की संख्या 1,57,000 से भी ज्यादा है और ये पिछले वर्ष की तुलना में डबल से भी ज्यादा है। अगर हम इसी परफॉर्मेंस को रिपीट करते रहे तो 2050 से पहले ही हम ऐसे बच्चे पैदा करने में सफल हो जाएंगे जो 95% से ज्यादा इफिशियंट होंगे। इस शुभ अवसर पर मैं सीबीएसई को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके अथक प्रयासों के बिना 100% इफिशियंट बच्चे बना पाना संभव नहीं होता। सीबीएसई ही वह महान संस्था है जिसने 15 से 20 सालों में अपने क्वेश्चन पेपर में कोई बदलाव नहीं किया है। मसलन फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में आपको ट्रांसफार्मर, साइक्लोट्रॉन, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप जैसे क्वेश्चंस लगातार मिलते रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे इन क्वेश्चंस को रट कर 100% लाते रहे हैं। लगे हाथ में भारत सरकार को और हमारे बच्चों को संसाधन मात्र समझने वाले मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके विशेष गुण के कारण ही हमारे देश में 10 लाख मास्टरों की कमी के बावजूद 12 लाख बच्चों ने इतनी अपार सफलता हासिल की है। रिजल्ट के अनाउंस होते ही 12वीं पास भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, पर्यावरण विभाग में इंजीनियरिंग करने वाले भूतपूर्व मुख्यमंत्री और जननी और जनानी में उलझ जाने वाले भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने इन नंबरों की महत्ता स्थापित करने के लिए ट्विटर में आतंक मचा दिया। लेकिन रिजल्ट अनाउंस होते ही देश की महत्वपूर्ण संस्था आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल कॉलेज और यहाँ तक कि जेएनयू जैसी देशद्रोही संस्था ने भी इन नंबरों के आधार पर एडमिशन देने से मना कर दिया है। इस रिजल्ट के आते ही सबसे ज्यादा परेशान होने वाली संस्था है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि 100% अंक लाने वाले बच्चों ने में से ज्यादातर ने यह घोषणा कर दी है कि वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। यूपीएससी की परेशानी का सबब यह है कि उनके यहाँ पर 50 से 60% अंक लाने वाला टॉपर होता है और यहाँ तो 100% वाले उसके लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। लेकिन यूपीएससी भी जानती है कि पिछले वर्षों के आधार पर ज्यादातर ऐसे बच्चों ने 60% लाने में भी सफलता नहीं पाई है। यूपीएससी का तो अपना अलग ही स्वैग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से 12वीं में पास या सफल छात्रों को बधाई दी है और अपने रिजल्ट से असंतुष्ट बच्चों के लिए सांत्वना दी है। उन्होंने कहा कि जीवन में यही एक एग्जाम नहीं है, आगे भी एग्जाम मिलते रहेंगे और जिंदगी को भरपूर जीने की आवश्यकता है। 12th के बाद कौन कौन से ऑप्शन हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं? वैसे तो ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन सबसे नजदीक में बच्चों के पास केवल 3 एग्जाम हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला एग्जाम है जेई का, जिसके थ्रू इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे। दूसरा एग्जाम है नीट का, जिसके लिए डॉक्टर बनेंगे। और तीसरा एग्जाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, एसएससी का, जिसके थ्रू उन्हें डायरेक्ट नौकरी मिलेगी। हाँ, नौकरी कोई अफसर वाली नहीं होगी, बाबू चपरासी क्लर्क बनेंगे, बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगी, लेकिन
तनख्वाह हर महीने निश्चित टाइम पर मिलेगी। एसएससी में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश पूछा जाता है। 240 क्वेश्चन को आपको 180 मिनट में सॉल्व करना होता है, मतलब हर क्वेश्चन को पढ़ने, सॉल्व करने और गोला करने के लिए आपके पास केवल 45 सेकंड का टाइम होता है। मतलब इस फॉर्म को फिल करने का मतलब है आप टाइम मशीन पर बैठे हुए हैं या टाइम बम पर बैठे हुए हैं, ऐसा मान सकते हैं। अगर आपकी रटने की क्षमता कहीं से भी थोड़ी सी भी कमज़ोर है तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं, और अगर भर दिया आपने तो आपका पैसा गया, क्वालिफाई करना संभव नहीं है। इसके लिए आपको 5 से 6 साल कम से कम लगने वाले। दूसरा एग्ज़ाम आता है नीट का। नीट में 3 घंटे मतलब 180 मिनट में आपको लगभग 180 क्वेश्चंस करने होते हैं, मतलब हर मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना होता है। करने का मतलब है उसको पढ़ना भी है, उसको सॉल्व भी करना है और उसको वहाँ पर टिक भी करना है, इतने प्रेशर में होने के बावजूद। अगर आप इनके रिजल्ट देखेंगे तो वो 90-95% ही आ रहे हैं। अगर आप इनमें कंपटीशन देखेंगे तो इस साल 2020 में नीट के एग्ज़ाम में लगभग 16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, और हमारे यहाँ पर जो सीट अवेलेबल है, गवर्नमेंट सीट्स है, वो केवल 40-41,000 है। प्राइवेट को मिला दिया जाए तो 71,000 कंप्लीट होता है MBBS की सीट। मतलब कंपटीशन वहाँ भी बहुत हाई है। JEE मेन का एग्ज़ाम है जिसमें इंजीनियरिंग के लिए आपको IIT और NIT में ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको अब 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 घंटे में, मतलब 180 मिनट में। यहाँ टाइम ज़्यादा मिलता है लेकिन क्वेश्चन लेंदी होते हैं, कंपटीशन यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। अब ये डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर वो कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं और किस अंधेरे में जाना चाहते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट रहा 98%, जो कि एवरेज 94% से 4% ज़्यादा है। अब इस बात की प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल और सिसोदिया जी ने उत्तराखंड, झारखंड, बिहार तक के न्यूज़पेपर्स में इस बात को छपवाया है, एडवर्टीजमेंट कराया है। यहाँ पर हुए स्कूल में स्कैम के बारे में जानकारी मैंने पहले भी दिया था, फिर भी मैं याद दिला दूँ, यहाँ पर मास्टरों की संख्या लगभग 56,000 है, जो आप अगर देखेंगे तो लगभग 50% यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर्स हैं और 50% एडहॉक पर टीचर्स रखे गए हैं। ये एडहॉक पर रखे गए टीचर्स किस प्रक्रिया के तहत रखे जाते हैं ये किसी को पता नहीं। आम हलकों में ये बात आम है कि 20,000 रुपये मिनिमम का कमीशन देना पड़ता है। इसका कोई ठोस सबूत नहीं है लेकिन ये आम हलकों में बात चलती है। उसकी वजह है कि दिल्ली जैसे शहर में 30,000 रुपये में गवर्नमेंट टीचर या किसी भी स्कूल में PGT मिलना मुश्किल काम है। खैर, बात आते हैं यहाँ पर इनकी जादूगरी की। 98% बच्चे पास होते हैं 12th क्लास में। अगर आप थोड़ा सा इनके रिजल्ट को आप रिसर्च करते हैं तो आप ये पाएंगे कि हर स्कूल में, पूरे देश की अगर देखेंगे आप तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हर साल 12th में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों का परसेंटेज कम होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे 2007-08 में 12th में जिन बच्चों ने पेपर दिया था उनकी संख्या थी 72,205, लगभग 72,000 के आसपास, जो 2009 में 87,000, 10 में 97,000 और 2015 केजरीवाल जी की सरकार बनने पर 1,39,000-40,000 के आसपास था। 1,40,000 बच्चों ने बोर्ड का पेपर दिया था 2015 में। अब ये संख्या 2016 में 1,31,000 हो जाती है, 2017 में 1,21,000 हो जाती है, 2018 में 1,12,000 हो जाती है। जब पूरे देश में संख्या बढ़ रही है बच्चों की, पेपर देने वालों की, तो दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां पर बोर्ड में स्टूडेंट्स का नंबर लगातार कम हो रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह का रिसर्च करते हुए हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट निकाली, उसमें इन्होंने बताया कि 2015 से दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि लगभग 40-45% स्टूडेंट को 9th क्लास में फेल कर देते हैं। 9th क्लास में 45% फेल होने के बाद केवल 55% बच्चे 10th का एग्ज़ाम देने जाते हैं, और अगर आप 10th का रिजल्ट देखेंगे तो भी
दिल्ली का बहुत अच्छा नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे 12th रिजल्ट तो हर जगह पर एडवर्टाइज कराया जाता है, बट 10th का रिजल्ट दिल्ली गवर्नमेंट एडवर्टाइज नहीं कराती है। बात करते हैं जो 55% 10th में पहुंचते हैं उनमें से, हिंदुस्तान टाइम की रिसर्च ये कहती है कि बेसिक मैथमेटिक्स 80% को दिलाया जाता है। मतलब 80% बच्चों को ये बता दिया जाता है कि आगे चलकर 11th 12th में आप साइंस स्ट्रीम जिसको बोला जाता है, मतलब PCM आप नहीं चूज कर सकते हो, मतलब मैथमेटिक्स से ले जाकर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम में नहीं जा सकते हो। उन्हें 10th में बेसिक मैथमेटिक्स दिलाया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिक मैथमेटिक्स चूज करने का जो परसेंटेज है वो लगभग 25% है, इंडिया में लगभग 37% है और दिल्ली में जो है वो 80% है। अब बात करते हैं ये जो 20% और 80% का खेल होता है, इसे क्रॉस करके जब बच्चे 11th में जाते हैं तो 11th में भी लगभग 25% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में फेल कर दिए जाते हैं। और अब जो बच्चे बचते हैं वो रिफाइन होकर 12th में पहुंचते हैं और वो जाकर 98% रिजल्ट ला रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर 100 बच्चों ने 9th में एडमिशन लिया है तो उसमें से केवल 55 स्टूडेंट 10th का एग्ज़ाम देते हैं और 80-85% अगर रिजल्ट रहता है तो वो जाकर लगभग 40-45 बच्चे के आसपास पहुंचते हैं। 40-45 बच्चे अगर 10th में 11th में पहुंचते हैं तो उसमें से भी 25% फेल हो जाते हैं, लगभग 30% बच्चे वहाँ 30-35 स्टूडेंट पहुंचते हैं 12th में और ये केवल 30 स्टूडेंट वहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से वो 90% 28 पास हो गए। अगर केवल 30 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है और वहाँ से 28-29 पास भी हो जाते हैं तो अगर आप 9th के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये लगभग 28-30% रिजल्ट आएगा। ये जो कहानी की जाती है, आप कभी भी दिल्ली सरकार के एडवर्टीजमेंट में ये नहीं बताएंगे, देखेंगे कि वहाँ पर कितने बच्चों ने एग्ज़ाम में अपीयर किया है, कितने बच्चे पास हुए हैं, हमेशा परसेंटेज की बात की जाती है। आप कभी भी पहले जो होता था दिल्ली के एजुकेशन बोर्ड में नंबर दिया जाता था, कितने वेबसाइट पर होता था कितने बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं, कितने बच्चों का नंबर दिया होता था, कितने इनरोल हुए हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार आने के बाद ये नंबर भी गायब है। खैर, यहाँ मुद्दा केवल दिल्ली का नहीं है, पूरे देश का है। दो मुद्दा है, एक तो क्या इतना परसेंटेज देने पर, इतने मार्क्स देने पर कि हाँ एक होड़ लगा दी है 90% 100% बच्चे लेकर आ रहे हैं, और फिर उनके साथ क्या होता है, वो कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। दूसरा, क्या हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपी बिहार जैसे स्कूलों में तो भगवान ही मालिक है, दिल्ली में या इनसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो है प्राइवेट स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स मिला भी लिया जाए तो जो हम परसेंटेज यहाँ पर दे रहे हैं उस परसेंटेज का होता क्या है, वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग की क्या स्टेटस है, इसके बारे में कोई भी न्यूज़पेपर, मैक्सिमम न्यूज़पेपर मान लीजिए, वो साइलेंट है, वो पता नहीं चल रहा है। ये जो कमियाँ हमारे सिस्टम में चली जा रही हैं उसका सबसे ज़्यादा नुकसान एज ए सोसाइटी एज ए पेरेंट हमें हो रहा है। हम पैसा लगा रहे हैं और हमारे बच्चे वहाँ पर मशीन बनके, रटने वाली मशीन बनकर आ रहे हैं। सोचना आपको है, करना आपको है, आपके बच्चे हैं। धन्यवाद।